हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, अभी अभी एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है नीट 2021 को लेकर और जेईई 2021 को लेकर। दोनों के लिए ही लेटेस्ट अपडेट है और अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस है। तो जो भी बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। बहुत जल्दी से शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, नीट 2021 का पेपर लीक हो चुका है। इस मामले में अभी तहकीकात चल रही है, लेकिन आपको बता दूं नीट 2021 में दो रजिस्ट्रेशन होते हैं, फेज़ वन और फेज़ टू। तो फेज़ टू रजिस्ट्रेशन के लिए लाइंस जब भी खुलेंगे आपको बता दी जाएंगी, लेकिन आपको ये बता दें कि रिजल्ट के पहले आपको फेज़ टू का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और साथ में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा, जेई मेन्स के स्टूडेंट्स के लिए आपको बता दूँ, जेई मेंस का जो रिजल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। फोर्थ अटेम्प्ट का, अगस्त सेशन का, वो आज रात को 10 बजे डिक्लेयर किया जाएगा। अभी अभी एनटीए ने ये घोषित किया है और इसके डिक्लेरेशन के बाद ही जेईई एडवांस 2021 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो जैसे ही आज रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, कल से जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, जेई मेंस में भी फोर्थ सेशन जो हुआ था उसमें स्कैम हुआ था, पेपर लीक हुआ था, वही बात नीट में हुई थी, इसीलिए रिजल्ट में थोड़ी सी देरी हो रही है। तो आज बोला जा रहा है कि रिजल्ट एनटीए की तरफ से अनाउंस कर दिया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट आएगा तुरंत आपको मेरे चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। थैंक यू।